उस वक्त जहाद होगा जब मुकाबिल में कुफार हों या मुशरिकीन। मुशरिकीन वो लोग हैं कि जो खुदावंद तबारक व तआला का शरीक करार देते हैं। कुफार वो हैं जो खुदावंद आलम का इनकार करते हैं। अगर जहाद मुआविया के खिलाफ हो जो फकत जाहिरी इस्लाम रखता है तो शरण मुबाह है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अली ने रसूल खुदा की नामूस और उनके असहाब के खिलाफ अगर ऐलान जंग करें तो हराम है, हराम। शेख, अबुल हसन का मकसद मुआविया है। मुआविया ने बैत तोड़ के बगावत की है, अली उससे जिहाद करना चाहते हैं। इस वाजे और रोशन मसले में कोई मुबहम बात नहीं है जो तुम तरह तरह के फतवे दे रहे हो। मोहतरम आगाजादे, मैंने जंग को मुआविया के खिलाफ मुबाह जाना है ना राम। हुक्म मुबाह मालूम है, गैर मुबाह अंजाम देने वाले को इख्तियार है। जो मुबाह जहाद में जाए बराबर है उसके जो जहाद में न जाए। कालम यकुन न सवाब है न अजाब। दुश्मनान अली दर हकीकत दुश्मनान रसूल खुदा है। माविया की बगावत उस खलीफा की बैत से जिस उम्मत ने इसरार करके चुना हो क्या माना रखता है सिवाय दुश्मनी दीन के? दुश्मनान दीन से जहाद वाजिब है या मुबाह? अय्युहन नास, कई रोज से कूफे में सरगर्दान डर डर की ठोकरें खा रहा हूं। अशअरी मुझे नामालूम और मुबहम जवाब दे रहे हैं। अगर अमीरुल मोमिनीन की बैत में हो तो उनका फतवा तुम्हें सुना चुका हूं, अगर अशअरी की बैत में हो तो तुम जानो तुम्हारा खुदा। कहो अभी चले जाओ तो चला जाऊंगा। अबू मूसा, अगर कोई साजिश है तो हम सब सुनना चाहते हैं। जब खुदा से कुछ पोशीदा नहीं तो बंदगान खुदा से क्या छुपाना। हाँ, दाल में जरूर कुछ काला है। एक मसला है शेख, दीन इस्लाम ने अहले बैत के सिलसिले में वाजे हुक्म दिया है या नहीं दिया? किस तरह वाजे नहीं, दीन ने तुम्हारे पैर के नाखून तक नहीं छोड़े। उनके भी आहकाम हैं, आदाब भी बताए। अली और आयशा दोनों पैगंबर के अहले बैत हैं, इन दोनों का झगड़ा मीरास का है। हुक्म सुनाओ और इस बहस को खत्म करो। ये दरख्वास्त उम्मुल मोमिनीन आयशा की तरफ से कूफे वालों के नाम है। लिखा है जो भी दीन मोहम्मद में दाखिल है वो हरीम मोहम्मद की मदद करे। अबुल हसन कस्त रखते हैं कि हमारे साथ जंग करें। पनाह बर खुदा। देखो जवान, तुम अपनी बहन की मोहर को पहचानते हो, क्या ये उम्मुल मोमिनीन की मोहर नहीं है या नहीं? रो क्यों रही हो सरदार? कुछ नहीं।
तुम इस कारावान की एक रहबर हो। हैफ नहीं कि कुत्तों के भौंकने से डरो? डर नहीं रही। तो क्या कोई ऊंट मर गया है? अस्मा की किस्मत का ऊंट मर गया, जिसका बाप यारे गार, बहन उम्मुल मुमिनीन, शोहर शमशीर दीन और बेटा नायब खलीफा हो। उसकी मंजिलत तो आसमान से भी ऊंची है, फिर क्यों ना शुक्री करती हो माँ? मेरी बुलंद इकबाली ने मुझे दरबदर कर दिया। हंसने की बात नहीं है सैफ अल इस्लाम की औलाद। वो कैसी रातें थी जब मैं अपने घर की मालिका थी। चूल्हा जल रहा था, मेरे इर्द गिर्द बच्चे थे। सुन, ये जिंदा कुत्ते हैं जो भौंक। इसकी फिक्र ना कीजिए, बसरे में जिंदगी की चहल पहल अभी बाकी है। कहाँ खेमे ले? खराब। बड़ी बुरी आवाज वाले कुत्ते हैं। क्या हो गया है? क्या खबर है? उम्मुल मोमिनीन की चीख थी। उम्मुल मोमिनीन परेशान है। क्यों? उन्होंने पूछा था ये कौन सी जगह है, यहाँ कैसी बुरी आवाज वाले कुत्ते हैं। मैंने कहा हवाब, ये सुनते ही चीख मारकर गरीबान चाक कर दिया है, इरादा बदल दिया है, लौट जाना चाहती हैं। ऐ नादान लड़के, ये हवाब नहीं है। मैंने खुद बद्दुओं से पूछा है। क्यों नहीं समझते? ये हवाब नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ भी हो, ये हवाब नहीं है। रहने दो। तुम नहीं जानते अब्दुल्ला, पैगंबर ने हवाब के बारे में हदीस फरमाई है। एक दिन तुम्हारी खाला से कहा, आयशा, ऐसा न हो कि हवाब के कुत्ते तुम पर भौंकने लगे। आज की रात वही रात है। अच्छा, जब तुम्हें इस हदीस का इल्म था तो क्यों यहां पड़ाव डालने की इजाजत दी? कुछ ऐसी अहादीस हैं जो तजुर्बे के बाद ही समझ में आती हैं। तुम जाओ जाओ, उन्हें तसल्ली दो बेटा, जाओ। यहां क्या हो रहा है खुलफाए मुस्तकबिल? मरवान, लश्कर में यह ऐलान करवा दो, ये बसरे की सरजमीन है, ये हुआ नहीं है। जैसा आपका हुक्म। अपने असहाब के धोखाबाजियों से अफसरदा हो? तेरे बूढ़े असहाब को तेरी जान से ज्यादा तेरे बाल पसंद हैं।
ये नाकाम खुलफा चाहते हैं कि रियासत का जुब्बा तेरे बाल से बना हुआ पहने। सुन नस्कर, एक दफा भी भर कर अपने सवार को जमीन पर दे मार ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। इस लश्कर में मेरा और तेरा दर्द कोई नहीं जानता। तू आज मेरा हम प्याला हो जा अस्कर। तन्हाई मेरे बदन में जहर घोल रही है, आजा मिलके पीते हैं। सुकून रूह की दवा है अस्कर। सुकून रूह की दवा है। तुम बसरे में क्या चाहते हो? मैं जो चाहूं खरीद लूंगा, बाग, घर, काशाना, लेकिन उम्मुल मोमिनीन का नहीं मानूं। वो कहां है? अपने खेमे में। मैं जाकर उम्मुल मोमिनीन को खबर देता हूं। मैंने इस ऊंट में ताज्जुब खेज बातें देखी हैं। ये किसी गैर मुस्लिम को अपने ऊपर से नहीं देता, ये सिवाय जिहाद के किसी जंग पर नहीं जाता। बिलबिलाता भी है तो महज रिजाए इलाही के लिए। इसके बाल मुतबर्रिक और सांस शिफा बख्श है। इसकी कदर पहचानो, इसके गजब से डरो। आए चलिए। इसकी बयात न तोड़ना वरना सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। जिसके पास इसका एक बाल भी होगा वो हमेशा हमेशा नजर बद से महफूज रहेगा। क्या कर रहे हो दीवाने? ये ऊंट की मेंगनी क्या करोगे? ऊद के बजाय हम इसको जलाएंगे। लो तुम भी सूंघो। वाकई खुशबू है। मुश्क की बू देती है। जब तक ये बेवकूफ हमारे साथ है अली से क्या डरना है? हकीम, अपनी आवाज को ऊंचा करते हो, इसलिए आए हो कि उम्मुल मोमिनीन को रंजीदा करो? कैसे जुरत की कि हरीम रसूल खुदा की बेहतरामी करो? तुमने उनके एहतराम को पामाल किया है। ये तुम हो जो रसूल खुदा के हरीम को ऊंट पर बिठाकर शहर बशहर घुमा रहे हो। जब जानते नहीं तो क्यों उल्टा सीधा बोलते हो? तुम जैसे चाहो मतलब निकाल। मशवरे के लिए बैठे हैं ताकि नतीजा निकाल सके। तुम आंखें क्यों निकाल रहे हो? देख रहे हो उस्मान, आंखें खुद निकाल रहे हैं और हमसे कह रहे हैं। चीख पुकार का क्या मकसद है? जोश दिखा रहे हो? निकालो अपनी तलवार। बस करो शेख, नियाम में रखो। तलवार निकालना हर अरब जानता है। अगर तलवार चलाने का कमाल मंतकी गुफ्तगू में इस्तेमाल किया होता तो हम और तुम बाजार में जेर साहेबान मिलजुल कर खा रहे होते और आइंदा की फिक्र करते। बैठ जाओ शेख,
بیٹھ جاؤ۔ علی کے ماننے والے کلام حق کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں۔ کیا علی نے تم سے زبردستی بیعت لی تھی یا تم نے اپنی مرضی سے ان کی بیعت کی تھی؟ عبداللہ ابن عمر نے جب بیعت نہیں کی تو کیا علی نے ان کی گردن اڑائی؟ تم جو خلیفہ مقتول کی خونخواہی کا دعویٰ کر رہے ہو، کیا ان کے قاتلوں کو جانتے ہو؟ میں بتاتا ہوں تمہیں خلیفہ کی خونخواہی کی اتنی جلدی کیوں ہے۔ قاتل اپنے نشان مٹانے کے لیے سب سے زیادہ حرکت و جوش میں ہے اور قیل و قال کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، مقتول خلیفہ کے قاتل وہی اصحاب ہیں جو سر اونٹنی کے ساتھ ساتھ ہیں، اس کو سامری کی گائے بنا دیا ہے اور اس کے فضلے کو بھی شفا کے لیے تبرک قرار دے دیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک عمر جہاد کرنے کے بعد بھی خدا سے دور ہو گئے ہو اور اس لال اونٹنی کے پیچھے ہو لیے؟ شیخ، بصرے پہ لشکر کشی کیوں کی ہے؟ ہم خود سے بصرہ نہیں آئے ہیں، ہمیں دعوت دے کر بلایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ام المومنین سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ علی سے جنگ کے لیے؟ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ اگر جنگ کے لیے نہیں آئے ہو تو ام المومنین مجھ سے شہر کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں علی کی بیعت میں ہوں، کیا ان سے خیانت کروں؟ کیا مقتول خلیفہ کے قاتلوں کو ہم سے مانگنے آئے ہو؟ ہماری باتیں علی کے ساتھ ہیں، تم میزبان ہو اور ہم مہمان، یہی رکتے ہیں جب تک علی آ جائے۔ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ جب تک بھائیوں کی طرح رہیں۔ ٹھیک ہے، عہد باندھتے ہیں۔ کاش جنگ کی بات کی ہوتی، یہ تنگ نظر اور خود غرض لوگ عہد و پیمان کی وفا نہیں کرتے۔ ابو الحسن کی نصیحت کو مت بھولو حکیم، جب تک ہماری زبان سے کام چل سکتا ہے تلواریں نیام سے نہیں نکالیں گے۔ علی زبیر کے مئوزاد بھائی ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم بصرے کو ایک خطبہ سن کر چھوڑ دیں۔ بس بہت ہو گئی گرگٹ کی اولاد، عہد توڑ دیتے ہیں۔ عہد توڑو گے؟ ہاں، کس بہانے عبداللہ؟ ہم بصرے میں ہیں اور ام المؤمنین نے مجھے امام جماعت قرار دیا ہے، بس لوگوں کا امام جماعت مجھے ہی ہونا چاہیے، نہ عثمان بن حنیف کو۔ اگر بصرے کے خزانے پر قبضہ ہو جائے تو بآسانی اہل بصرہ سے بیعت لی جا سکتی ہے۔ ہمارا مشکل کشا بصرے کا خزانہ ہے، سونے کی چمک اہل بصرہ کو اندھا کر دے گی اور ان کی زبانوں پر تالے ڈال دے گی۔ میں تیار ہوں۔ نماز صبح کے وقت حملہ کریں گے۔ خدایا، تو اس قوم کے ظلم و ستم پر شاہد ہے۔ اس آمدی جنگ کے آغاز گر یہی اشقیاء ہیں۔ جو حوالہ آتی ہے وہ لے بھی جاتی ہے ابن حنیف۔ اگر کرسی بچانے کے لیے تلوار چلاتے تو اس وقت اس کی حفاظت بھی کر لیتے۔ دور ہو جاؤ۔ خلیفہ مظلوم کا بیٹا ہم سب سے زیادہ خلیفہ کا انتقام لینے کا حقدار ہے۔ ابان، کام تمام کرو۔ رک جاؤ،
बैठ जाओ। आबान, अम्मा ने तुम्हें बुलाया है। अरे बदखबर, अरे बदकदम, तेरे पांव ना टूट गए वलीद, किस मौके पर आया? मरवान, सोना सोना, हम इस सोने से 100 लश्कर बना सकते हैं। दीवाने हो गए वलीद। मोहम्मद, इसकी दाढ़ी को उखाड़ लो। कुर्सी का मजा समझ में आया इब्ने हुनैफ? अब चलाओ अपनी जबान इब्ने हुनैफ। अब आया मजा, अपने मूंछों को तलतुल खैर के सामने ताओ दे रहे थे। चिकन नसाब जमल ने तुम्हारे वाली के बाल बाल नोच डाले और उन्हें कैद कर रखा है। सुनो ए कौम रबी के बहादुर जवानों और अरब के गैरतमंद सूरमाओं, तुम्हारी गैरत को ललकारा है। तुमने देखा हमारा उनके साथ कैसा सलूक रहा और जमल वालों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। उनके घिनौने किरदार को भी तुमने देखा और उनकी फितना परवर बातें भी सुन। उन लोगों ने सुर्ख बालों वाले एक ऊंट को बुत बनाकर गोसाले सामरी की तारीख दोहरा दी है। बसरा हमारी सरजमीन, अगर हमारी जात को किसी चीज से तशबीह दी जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि रबी के लोग आ गए। हमारे भड़कते हुए शोलों से अगर टकराओगे तो तुम और तुम्हारा ऊंट क्या फौलाद के पहाड़ भी पिघल जाएंगे। ऐ असहाब जमल के बुज़दिलो, अपने ऊंट की गर्दनों से गंठियां उतार दो और आहिस्ता चलो, कहीं हमारे सोए हुए शेर जाग ना जाएं, ये दुश्मन तो पछाड़ कर ही दम लेते हैं। अपने घरों से मुशरिक गासिबों को निकाल बाहर करो। याद रखना कि ये हजारों रंग और चेहरे बदलने वाले लोग तुम्हारी औरतों और बच्चों पर भी रहम नहीं करेंगे। निकाल दो उन्हें बाहर। हम लोग खलीफा की बैत में हैं। अली के दुश्मनों से मुआमिला करना खुद अपने आप से खयानत है। ऐसी मौत से न डरो जो तुम्हें रसूल खुदा से मुलाकात के लिए ले जाए। कसम खुदाए काबा की, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मदद न की तो मैं तनो तन्हा उस फर्जंदे काबा की मदद के लिए जाऊंगा।
किसने तुम्हारा ये हाल बना दिया है इब्ने जब? जिस पे तकिया किया हूं इसी ने। तुम्हारी फूटी किस्मत के जिम्मेदार अली हैं। तू किस शबाहत रखता है नहीं मालूम, लेकिन ना जानता हूं कि तू रियासत तलब की औलाद है। अगर तू अंधा ना होता तो तू कभी भी अली जैसे खुर्शीद का इनकार न करता। तुम्हारा रब कौन है? खुदा एक है, दो नहीं। मैं कौन हूँ? कूफे की लड़की। खूबसूरत हूँ, ज्यादा नहीं। मेरा शौहर कौन होगा? एक अफसानवी शहजादा। मेरा दर्द क्या है? तन्हाई। मेरी आरजू क्या है? दो पर के उड़ सको। कहां तक? काबे तक, बसरे तक। बसरा क्यों? ताकि अस्कर के सवार को देख सको। अस्कर? अस्कर कौन? सुर्ख बालों वाला ऊंट और उसकी सवार आयशा। नहीं समझी तू, नहीं समझी। काश मैं खुद आयशा होती। अमीरुल मोमिनीन का दर्द दिल है तुम्हारे नाम। इस क्याम में दो ही सूरत मुमकिन है, या मैं सितमगर हूं या मुझ पर सितम हुआ है, या मैं नाफरमान हूं या मेरे फरमान को पामाल किया गया है। जिसको भी ये तहरीर मिले वो खुदा को न भूले और मेरे पास चला आए। अगर सिरात मुस्तकीम पर हूं तो मेरी मदद करे, वरना मदद से हाथ उठा ले, मुझसे मुंह मोड़ ले।
अली अलैहिस्सलाम ने रबजा में भी तुम कूफियों का इंतजार करते रहे लेकिन तुम ना आए। अब ज़ीकार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फरजंदे काबा की आवाज पर लब्बैक नहीं कहोगे? अम्मार, अशरी ने फतवा दिया है कि मुआविया के साथ जंग मुबाह और आयशा के साथ जंग हराम है। कूफियों को डर इस बात का है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा के खिलाफ जंग करके अपनी आखिरत न खराब कर लें। अशअरी के फतवे पर अमल करोगे तो दुनिया और आखिरत में खसारा उठाओगे। अशअरी हकीकत से दूर हो चुके हैं। ये बूढ़ा आदमी मुतजलजल सुतून की तरह है, उस पर तकिया मत करो। अशअरी अमीन मुफ्ती नहीं। अगर दिन के उजाले में उन्हें डराया जाए तो वो रात का फतवा दे देंगे। वो बंदगान के खौफ से खुदा से मुंह फेर बैठे हैं। अम्मार, तुम हमारे वली अम्र की तौहीन न करो। तौहीन? क्या अशअरी ने तुम्हें खुदा का हुक्म सुनाया है कि अगर दो गिरोह आपस में जंग के लिए आमादा हो जाएं तो क्या करें? अव्वल उनकी इस्लाह के लिए कोशिश करो, फिर जिस गिरोह ने दूसरे गिरोह के साथ जुल्म किया हो उस गिरोह के साथ जंग करो कि वो मुती अम्र खुदा हो जाए। अपने घरों को जाओ, कुरेश को उनके हाल पर छोड़ दो, चले जाओ। ये जंग फरजंदाने अब्दुमनाफ की जंग है, हाशिम की उमैया से जंग है, इरसो मीरास की जंग। अहले कूफा, अपना खून जाये न करो। तुम उन्हें छोड़ दो कि कुरेश अपने आपस का झगड़ा वो खुद हल कर लें, मुदाखलत न करो। अम्मार, अली हरीम रसूल खुदा और उनके असहाब के साथ क्या कर रहे हैं? अली उनकी तौबा के मुंतजिर हैं। तौबा करें? किस न किए गए गुनाह की तौबा करें? बेदिफा खलीफा की खूंखाही कैसा गुनाह है जो तौबा करें? मकतूल खलीफा की खूंखाही अली से मांगना गुनाह है। अली ने वादा नहीं किया कि हुकूमत के जख्म और उसकी बीमारी का मदावा करके कातिलीन खलीफा को ढूंढ कर सजा देंगे? क्या अबुल हसन ने खलीफा के कत्ल के मशकूक गिरोह की मदद से इनकार नहीं किया? खूंखाहों ने बगैर किसी उज्र और बहाने के बसरे पर हमला कर दिया। उस्मान इब्ने हुनैफ की दाढ़ी को नोश डाला और हकीम बिन जबला को बिला तशबीह सैयद शुहदा हमजा की तरह सीना चाक कर डाला। इन ना इंसाफियों के बावजूद जुल्फिकार अली अभी भी नियाम में है। अहले कूफा, उस्मान का खून आलूद कुर्ता लेकर शोर करने वालों से ज्यादा अली रंजीदा तर रहे। असहाब जमल ने अली की बयात तोड़कर उन्हें मजबूर किया कि वो कुएं में सर डालकर उम्मत मोहम्मद के इख्तिलाफ पर जारो कतार गिरिया करें। जो भी अपने दिल के कानों को खोल कर सुने उसे अली के गिरिया की आवाज आएगी। अशरी, क्या तला व जुबैर ने अली की बैयत की थी? हाँ, उन दोनों ने अली की बैयत की थी। तो अली से बैयत तोड़ने की क्या वजह हुई? मैं नहीं जानता। नहीं जानते? हम भी तुम्हें छोड़ के जाते हैं ताकि जान लो। उदय, तुम हातिम ताई जैसे सखी के बेटे हो, बताओ हम अली का साथ दें या आयशा का? तुम्हारे कबीले ने अली की बैयत की थी, बैयत ची कनी नाइन है। तुम्हारी नजर कबीले ताई की नजर है। कबीले ताई रसूलुल्लाह के चचाजाद को तन्हा नहीं छोड़ेगा। क्या हम ज़ीगार जाएंगे? उदय, हम ज़ीगार जाएंगे। राम उम्मुल मोमिनीन आयशा के साथ जंग करना हराम है। रसूल खुदा के हरम को गारत करना हराम है। जो भी अमदन मोमिन को कत्ल करेगा उसकी जगह जहन्नम है। तुम सुनो कूफे वालो, तुम अंसार की औलाद हो, अपना
अब अपना दामन हमेशा की नंगवार में आलूदा न करूं। औरत के साथ जंग करना क्या नंग नहीं है जुंदप? तुम ना लड़ो, बैठो और तमाशा देखो। तुम क्या करोगे? मैं तो जिकार जाऊंगा। कहां गई मेरी जूतियां? तारीख के उस कोने पर पाब रहना घूम रहे हो, ऊपर से गरेबान भी चाक, ये क्या करना चाहते हो शेख? ये सारी चीजें अबातिल की बातिल चीजें हैं। इतने बेबरकत आयात के बावजूद तेरा मौजूदा कहां मर गया ताकि इस असा से शिर्क की गर्दन तोड़ दूं? मुझ पर ईमान लाओ, फिर मैं तुम्हें मौजूदा दिखाऊंगा। हट जा दीवाने, मुगालिते से काम न ले कमबख्त। शेख, कूफे वाले आपकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। किसी न किसी को पहला कदम उठाना पड़ता है। अबू मूसा का महल फतह कर लो, लेकिन उसकी जान और माल अमान में। बदशक्ल हो गई हूँ, जर्द हो गई हो हल्दी की तरह। मेरे दर्द की दवा क्या है, है ना? बला नहीं कहो, खून। अबू मूसा कहाँ है?
मैं हूँ अबू मूसा। मैं हूँ अबू मूसा अशअरी। मैं खुद हूँ। मुझे यकीन नहीं आता तुम एक बेअर्जिश जुबा हो। अबू मूसा तकवा का पुल था। इस बेअर्जिश जुब्बे ने हमारे अबू मूसा को निगल दिया। देख रहे हो इस जुब्बे के पैर किस तरह लरज रहे हैं। इन पैरों को सिराते अदालत से गुजरना था। इसी जुब्बे ने अपने कल्ब मुतमईन को रियासत के बाजार में कुर्सी के बदले बेच डाला। यकीन करोगे? अभी देखो। बताओ अब रात है या दिन? मुझे नहीं मालूम अब रात है या दिन। शायद दिन हो। रात है? जी हाँ रात है। सुन लिया? मुफ्ती आजम अपनी बूढ़ी जान के डर से खुदा के दिन को रात का फतवा दे रहे हैं। मालिक, तुम्हें जेब नहीं देता कि इन सब के होते हुए मेरी इस तरह तौहीन करो। तुमने जो मुझे अबुल हसन के पास रुस्वा किया था मैं उस काबिल था। लेकिन अली, दफा हो जाओ यहां से। अम्मार लश्कर-ए-कूफा कल ज़ियार जाएगा।